सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम देखने वाले हैं स्वराज का 742 XT मॉडल, जो कि है 45 HP में। तो ये मॉडल काफी किसानों की पहली पसंद माना जाता है और स्वराज ट्रैक्टर है ही सभी की पसंद। तो किसान भाइयों के लिए ये मॉडल कैसा रहने वाला है, इस मॉडल में क्या नए फीचर्स मिलने वाले हैं और क्या फीचर्स इसमें है, इस सभी की जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, स्वराज एकमात्र ऐसा ट्रैक्टर है जो अपने डिजाइन में, अपने इंजन में ज्यादातर बदलाव नहीं करता है। किसानों की जरूरत को ध्यान में रखकर ही स्वराज अपने ट्रैक्टर्स में बदलाव करते हैं। तो आज जो हम मॉडल देखने वाले हैं वो मॉडल है स्वराज का 742 XT मॉडल। तो 742 XT मॉडल में जो कुछ जानकारी हम देखने वाले हैं वो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको पता चले कि इस ट्रैक्टर में क्या नए फीचर्स डाले गए हैं। तो बात करते हैं पहले फ्रंट लुक से। तो इस ट्रैक्टर में लुक आपको बिल्कुल वही रेगुलर वाला लुक ही मिलेगा। बात की जाए इसके फ्रंट एक्सल की, तो ये एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल है। इसकी विड्थ आप कंट्रोल कर सकते हैं, या तो कम कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। इस ट्रैक्टर में आपको ऑयल बाथ टाइप का एयर फिल्टर मिलता है, जो कि रेगुलर ट्रैक्टर में भी आपको वही मिलता है। अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन की। तो इसमें 3 सिलेंडर का इंजन आपको देखने को मिलता है 45 HP की कैटेगरी में। और अगर बात की जाए सीसी की, तो 3136 CC का इसका इंजन दिया हुआ है, जो कि काफ़ी पावरफुल है। इस ट्रैक्टर में आपको वाटर सेपरेटर फिल्टर भी देखने को मिलता है, जिससे आप अपने डीजल में जो पानी मिक्स होता है वो बाहर निकाल सकते हैं। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इस ट्रैक्टर में ड्यूअल क्लच हमें देखने को मिलता है। गियर बॉक्स, स्लाइडिंग और कॉन्स्टेंट मेश गियर बॉक्स दिया हुआ है। गियर स्पीड की बात करें तो 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर इस ट्रैक्टर में हमें देखने को मिलने वाले हैं। और गियर लीवर पोजीशन इसकी सेंटर शिफ्टिंग में आती है। ब्रेक की बात की जाए तो ऑयल इमर्स ब्रेक इस ट्रैक्टर में हमें देखने को मिलने वाले हैं। बात करें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इस ट्रैक्टर में आपको अच्छा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसमें आप डीजल को ट्रैक कर सकते हैं, कितना डीजल हमारे टैंक में बचा है। उसके साथ आप इसको टेम्परेचर भी ट्रैक कर सकते हैं। बाकी इंडिकेशन भी आपको इस क्लस्टर में देखने को मिलते हैं, RPM और हावर्स भी देख सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। बीच में आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है। सीट की बात करें तो इस ट्रैक्टर में कंफर्टेबल और एडजस्टेबल सीट आपको देखने को मिलती है। इस सीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाइट के हिसाब से, आगे या पीछे ले सकते हैं। स्वराज 742 XT मॉडल में हमें PTO मिलता है 540 RPM का, जो मल्टी स्पीड कॉन्स्टेंट में आता है। मल्टी स्पीड के साथ इस ट्रैक्टर में हमें CRPTO भी दिया गया है। बात की जाए इसके हाइड्रोलिक की, तो इसमें आपको ऑटो डेप और डेप कंट्रोल, ये दोनों हाइड्रोलिक कंट्रोल मिलते हैं। 3 पॉइंट लिंकेज मिलता है CAT 1 और CAT 2 का। लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो इस ट्रैक्टर में हमें 1700 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलती है। वारंटी, इस ट्रैक्टर को 2 साल की वारंटी दी जाती है, या 2000 घंटों की जो सबसे पहले होता है उसकी वारंटी दी जाती है। एसेसरीज में टूल आता है, बम्पर आता है, बलास्ट वेट, टॉप लिंक, कैनोपी, ड्रॉ बार, हिच, ये सारे एसेसरीज आपको देखने को मिलती है। एडिशनल आपको इसमें मोबाइल चार्जर भी देखने को मिलता है। बात की जाए टायर साइज की, तो इस ट्रैक्टर में हमें फ्रंट टायर मिलता है 616 का और रियर टायर मिलता है 1428 का, जो ग्रिपिंग के लिए काफ़ी अच्छा है 45 HP की कैटेगरी के ट्रैक्टर के लिए। तो ये थी आज की हमारी स्वराज 742 XT मॉडल के कुछ फीचर्स जो एडिशनल इस ट्रैक्टर में दिए हैं। किसान भाइयों, ज़रूर बताइए ये ट्रैक्टर आपको कैसे लगा है, क्योंकि स्वराज जाना जाता है किसानों की पसंद। तो ये 45 HP का ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अगर इस ट्रैक्टर को आप खरीदना चाहते हैं तो अपनी नज़दीकी स्वराज डीलरशिप पर विजिट कर सकते हैं, या फाइनेंस की जानकारी के लिए या अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.tractorkarwa.com इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या 9650933899 इस नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में नए मॉडल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।